फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये चीजें हमें सबको पता है बताने की जरूरत नहीं है ड्यूरेशन दोनों की दोनों की सेम है तीन साल बी कॉम चाहे आप पास कोर्स से करें चाहे आप ऑनर से करें तीन साल लगते हैं बी सी ए यहां पर भी बीसीए प्रोफेशनल भी होता है बीसीए नॉर्मल भी होता है तो दोनों में ही आपके कितने साल तीन साल लगते हैं राइट चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें बीकॉम की बात करें सबसे पहले तो बीकॉम में टेन प्लस टू आपका क्लियर होना चाहिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स है यहां पर जो आ, सीक्रेट है वो मैं आपको बता देता हूं बीकॉम ऑनर्स में कई यूनिवर्सिटीज मैथमेटिक्स की डिमांड करती है बच्चा क्लियर हो पा रहा है बीकॉम ऑनर्स करते वक्त जनरल में ले, जनरल के लिए या फिर पास कोर्स के लिए कोई भी आपसे मैथमेटिक्स नहीं मांगता है बीकॉम ऑनर्स अगर आप करने जा रहे हैं ऐसी कई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैथमेटिक्स डिमांड करी जाती है कॉम ऑनर्स करने के लिए ट्वेल्थ में बीसीए की बात करें तो यहां पर भी टेन प्लस होना चाहिए और कई कॉलेजेस में मैथमेटिक्स यहां पर भी मांगी जाती है सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस हैं ट्वेल्थ में अगर मैथमेटिक्स है तभी आप बीसीए कर सकते हैं कुछ कॉलेजेस हैं सबकी मैं बात नहीं कर रहा ऑनर्स की बात करी जैसे मैंने मैथमेटिक्स में कुछ कॉलेजेस हैं मांगते हैं कई कॉलेजेस नहीं मांगते हैं सिंपल सा करना यह है कॉलेज सेलेक्ट कर लिए कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना वहां जाकर पता करिए वेबसाइट में देखिए आपको पता लग जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल नेचर ऑफ डिग्री ये हमारी रेगुलर डिग्री है बच्चा बीकॉम हमारी रेगुलर डिग्री की कैटेगरी में आती है बीसी हमारा प्रोफेशनल डिग्री की कैटेगरी में आता है ठीक है रेगुलर मतलब रेगुलर रेगुलर मतलब रेगुलर कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन नहीं करी जाएगी आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए दो वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट यहां पर यूज करें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड आपकी स्किल आपको एम्प्लॉयबल बनाने में मेहनत करी जा रही है जा रही है नहीं जा रही है या नहीं बीकॉम में नहीं बी सी ए में जी हां क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है यहां तक क्लियर हो गया चलिए टाइप कितने तरह के होते हैं एक जनरल होता है एक ऑनर्स होता, होता है एक बीकॉम इंटीग्रेटेड नया फंडा है इंटीग्रेटेड क्या बी कॉम प्लस एम बी ए पांच साल का बीकॉम प्लस एल एल बी पांच साल का ठीक है तो ये इंटीग्रेटेड है बी सी ए दो तरह का बीसी और बी सी एनर्स सिंपल यस चलिए मेन सब्जेक्ट क्या रहते हैं पढ़ना क्या पड़ता है बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस अकाउंटिंग स्टेट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग कंप्यूटर अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है इलेवंथ में पढ़ा है फिफ्टी परसेंट सेम सिलेबस आपको बीकॉम में मिलता है म का सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं इफ इन केस आपको और डीप स्टडी करनी है बीकॉम के बारे में तो जैसे कि आप जानते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज वगैरह होते हैं एग्जाम्स होते हैं उनकी ई e बुक्स लिखता हूं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बीसीए की, e की अभी मैं वर्क कर रहा हूं अभी तक रिलीज नहीं करी गई नियर अबाउट इसी वीक में कोशिश करूंगा बीसीए की भी ई बुक रिलीज करने की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा कुछ ही हफ्तों का वेट करिए दोनों की मतलब बीकॉम की तो अवेलेबल है बीबीए की अवेलेबल है एल की अवेलेबल है आप बीसीए की एक ही हफ्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं yes no? चलिए देखिए अगर बीसीए की बात करें फंडामेंटल्स ऑफ आईटी एंड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल लिनक्स लैंग्वेज हो गई वेब डिजाइनिंग हो हो गया हो गया डाटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन है C++ है C है Java है जावा और एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये कोर हमारे सब्जेक्ट एरियाज हैं जो कि कवर करे जाते हैं किस कोर्स में बीसीए कोर्स में क्लियर हो पा रहा है तो यहां पर कंप्यूटर्स से रिलेटेड यहां पर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे यहां पर नॉर्मल कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट प्लस मैनेजमेंट के थोड़ा बहुत मतलब सेवेंटी परसेंट कॉमर्स थर्टी परसेंट ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्राइजेसॉम सिंपल हो रहा है चलिए स्पेशलाइजेशन की बात करें तो देखिए स्पेशलाइजेशन में अकाउंट्स एंड फाइनेंस से आप अपना बी कॉम कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन कहा मिलेगी बच्चों स्पेशलाइजेशन मिलेगी बीकॉम ऑनर्स में पास कोर्स में नहीं मिलेगी अकाउंट्स एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट टैक्सेशन रिसोर्सेज लॉ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मार्केटिंग अब कहेंगे सर इतनी सारी स्पेशलाइजेशन हमारे तो कॉलेज में नहीं है बिल्कुल नहीं हो सकती है कई कॉलेजेस में कई स्पेशलाइजेशन होती है कई कॉलेजेस में नहीं होती है आपको अपने कॉलेज में कौन से बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं आपको पता करने हैं अगर हम कंप्यूटर की बात करें बीसीए की बात करें तो ई e कॉमर्स जैसे मल्टीमीडिया साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटा बेस्ट स्टॉक मार्केट इंश्योरेंस एंड बैंकिंग जैसी स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड होती है अगेन 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 इट टोटली डिपेंड अपॉन द कॉलेज दैट दे आर ऑफरिंग दिस स्पेशलाइजेशन और नॉट यस और नो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारा कारवा इंटरेस्ट एरियाज क्या है देखिए अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्ट हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है देन बीकॉम इज अ ब्रिलियंट कोर्स फॉर यू लेकिन अगर आप कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, कोडिंग में सॉफ्टवेयर में कैरियर बनाना है इंजीनियरिंग और रिलेटेड डोमिन में अगर आपको कैरियर बनाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डोमिन में अगर आपको कैरियर बनाना है तो बीसीए से अच्छा कोर्स आपको नहीं मिल सकता है

क्लियर हो पा रहा है सी ए ट्वेल्थ के बाद और सी एफ ए ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं अगर बी कॉम नहीं कर रहे तो बीबीए बी एम एस बीबीएस बी एफ ए बी जैसे डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हो अगर आप बीसीए एडमिशन नहीं मिल पा रहा उससे रिलेटेड ही कोर्स करने हैं तो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस बी एस सी में स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो कंप्यूटर साइंस की जैसे मैंने आपको बात करी है आप बीकॉम आई टी से कर सकते हो बीकॉम किससे कर सकते हो बच्चा बीकॉम इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी एक अच्छी फील्ड है ये भी एक अच्छी स्पेशलाइजेशन है बीकॉम में जो कि आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप बीसीए नहीं करने जा रहे हो वैसे क्यों नहीं कर रहे हो ये भी एक क्वेश्चन है हायर एजुकेशन मान के चले बीकॉम कर लिया बीसी कर लिया सर अब क्या आप बीकॉम के बाद ऑब्वियसली चॉइस है एम कॉम कर सकते हो या फिर दो अलग चॉइस है मैनेजमेंट चॉइसिस एम बी ए या फिर पीजी डी एम ये हमारा डिप्लोमा है ये हमारा डिग्री है रेगुलर डिग्री एमबीए की बीसीए uh, के बाद आप ऑब्वियसली चॉइस कर सकते हो या फिर मैनेजमेंट में भी अपना कैरियर शिफ्ट कर एम बी आप कर सकते हो तो दोनों ही के बाद आप मैनेजमेंट फील्ड में एंट्री ले सकते हो कोई भी रोक टोक आपको नहीं होगी कैरियर ऑप्शन किस पोजिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट ऑडिटर स्टॉक ब्रोकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजर अकाउंटेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट बैंकर इंश्योरेंस कंसल्टेंट चीज है बी कंप्यूटर का कोर्स है तो वहां पर कंप्यूटर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन होगी प्रोफाइल होगी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम एनालिस्ट नेटवर्क इंजीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर टेस्टर ठीक है तो ये कंप्यूटर रिलेटेड हमारी प्रोफाइल्स हैं सैलरी की बात बताइए सर एवरेज सैलरी तीन लाख से लेकर छह लाख पर एन ठीक है हमने बहुत ज्यादा नहीं रखा है हमने एवरेज सैलरी रखा है मिनिमम भी नहीं रखा है कई लोगों को दस से पंद्रह हजार मंथली सैलरी से भी स्टार्ट करना पड़ सकता है जैसे मैंने बताया बीकॉम एक रेगुलर कोर्स है काफी कम पैसों में आपका बीकॉम कंप्लीट Com हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट नहीं मिलती है आपको खुद की जॉब सर्च करनी पड़ती है और कम पैसों में आपका कोर्स हो रहा है तो जॉब की गारंटी के चांसेस निल हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में फीस थोड़ी हाई होती है और फीस हाई रहने का एक रीजन ये भी है क्योंकि वो प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं जॉब जो आपका आर ओआई है रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कोर्स काफी ज्यादा है प्रोफेशनल कोर्सेज का वेदर इट इज बीबीए बी सी ए बी एच एम बीजेएमसी प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड इफ यू आर डूइंग दैट फ्रॉम अ गुड एंड रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट यस और नो टॉप रिक्विटर्स कौन से है सर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि हमें जॉब देगी बैंक्स में आप जॉब कर सकते हैं बीकॉम के बाद एस जैसी कंपनीज है मल्टीनेशनल कंपनीज है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कंपनी है जेनपैक है एन यंग है विप्रो है कॉग्निजेंट है फ्लिपकार्ट है डेलॉइट के बिग फोर है अच्छा ये जो है सिर्फ बीकॉम के बाद नहीं मिलेगी बिग फोर तो थो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये सी के बाद मिलती है बच्चा बीकॉम के साथ अगर आपने सी कर लिया या सी कर लिया तब मल्टीनेशनल कंपनीज में आप ऑपरेट कर सकते हैं नहीं तो इन कंपनीज में आने के लिए आपको बीकॉम के बाद एम भी करना पड़ेगा अच्छी कोर्सेज से अच्छे कोर्सेज नहीं कॉलेजेस से ठीक है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी, एचपी बीसीए के बीकॉम के जस्ट बाद आपको रेप्यूटेटेड फॉर्म मिलने के चांसेस कम है दो सिचुएशन में मिल सकते हैं या तो आपका बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स हो या फिर बीकॉम के बाद आपका अच्छा खासा पांच से छह साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो उसी एक स्पेसिफिक फील्ड में क्लियर हो पा रहा है बच्चा तो ये था बीकॉम और बीसीएस से रिलेटेड आई होप सो जितने भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो गए होंगे